जिसे कहते हैं बस भाई नो मोर। तो मैं कहता हूँ ब्रिंग इट ऑन। ये है बबलू। बबलू, अगर आपका कोई दुश्मन हो और आप उससे दुश्मनी निकालना चाहते हो तो उसे एक कमरे में बंद करिए, उसे अच्छा सा हेडफोन पहनाइए और ये 10वां मूवी उसको दिखाइए। मेरा विश्वास है कि वो कभी आपसे दुश्मनी करने की सोचेगा भी नहीं। आज हम बात करेंगे टॉप 10 बॉलीवुड मूवी जिसमें आपको देखने को मिलेगी बेहतरीन एक्टिंग, भरपूर एक्शन और थोड़े बहुत VFX। और इन सभी फिल्मों का दावा रहेगा कि जब भी आप बॉलीवुड मूवी देखना शुरू करें उससे पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नजर आ रहा है? जैसा कि डॉट दिख रहा है वैसे ही ये मूवी बॉलीवुड में एक डॉट की तरह है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की थैंक गॉड। एक होता है ओवर एक्टिंग और एक होता है हद से ज़्यादा ओवर एक्टिंग। इसमें आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग में। ये मूवी आपको इतना इरिटेट कर देगी कि आप अपने पड़ोसी से लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर आपका पड़ोसी ज़्यादा लड़ाकू है तो आप ये मूवी देखने के बाद उससे अच्छे से लड़ाई कर सकते हैं। पेशेंट को काटना नहीं सिलना है। सिलना सिलना, मेरे तो खुद की फटी पड़ी है, मैं कहाँ से सिलूंगा। नंबर 9 पे है कुत्ते। इसकी भी वाट अच्छे से लग गई थी। कमीने एक अच्छी मूवी थी। कमीने का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था काफ़ी अच्छा था। उसी बैकग्राउंड म्यूजिक को तोड़ मरोड़ के इस मूवी में यूज़ करना हद से ज़्यादा बकवास लगा। इस मूवी का जो मेन खासियत थी वो है अर्जुन कपूर की एक्टिंग। डायरेक्टर ने पहले से बोल दिया था कि आपको कोई एक्सप्रेशन नहीं देना, आपका बस फेस चाहिए, आपको न हंसना है न रोना है न कुछ नहीं करना है, बस हम आपके फेस से पूरी मूवी बना लेंगे। नंबर 8 पे है शमशेरा। इसमें इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट थे कि ये मूवी उनके सामने छोटी पड़ गई और उसका कचूमर निकल गया। इस मूवी की खासियत थी इसका VFX। जैसा कि 50 साल पहले आप मूवी देखते थे कि कोई बम फटा तो धुआं 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 सब हर जगह होने लगता है, वैसा ही इस मूवी में कई जगह पर देखने को मिलेगा। और आप इससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो वाणी कपूर की बेहतरीन एक्टिंग आप इसमें देख सकते हैं। नंबर 7 पे है सर्कस। इस मूवी में रोहित शेट्टी जब बोलेंगे तब हमें हंसना पड़ेगा। इस मूवी की खासियत है इसमें इतने सारे कोइंसिडेंस होते रहते हैं कि ये मूवी खुद बॉलीवुड के लिए कोइंसिडेंस हो जाती है। ये मूवी देखने के बाद आपको 440 वोल्ट का झटका जरूर लगने वाला होगा। इससे पहले आप चमड़े की चप्पल पहन के तब देखें ये मूवी। नंबर 6 पे है बच्चन पांडे। इसमें जो अक्षय कुमार का लुक था वो काफ़ी भयंकर लग रहा था और ऐसा लग रहा था मूवी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है, लेकिन बॉलीवुड का तो रीमेक बनाते बनाते और मूवियां फ्लॉप करते करते इतने थक गए हैं। लेकिन फिर भी इस मूवी से कुछ उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन लोग भूल गए इस मूवी के कौन डायरेक्टर हैं, फरहाद सामजी। आने वाले दिनों में शायद उनको कोई ऑस्कर जल्द ही मिल जाए। आने वाले दिनों में फरहाद सामजी की और भी मूवी आने वाली है, तो इससे पहले वो मूवी बनाए आप अपने दिल को थोड़ा तरोताजा रखिए और मजबूत बना के रखिए। मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं। नंबर 5 पे है शहजादा। ये अल्लू अर्जुन की मूवी की डिक्टो कॉपी है। इसका हर एक सीन कॉपी पेस्ट किया गया है, लेकिन जो एक्टिंग है वो कॉपी पेस्ट नहीं कर पाए और इसमें भर भर के इतनी ओवर एक्टिंग डाल दिए हैं कि ये मूवी अपने आप में डिजास्टर साबित हो गई। बेटा ये कौन है? उसकी फियांसे। तो तुम्हें किस क्यों कर रही है? We love. नंबर 4 पे है सम्राट पृथ्वीराज। नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब एक बड़े बजट की मूवी और जो VFX है और जो तलवारबाजी दिखाई गई है वो तो ऐसा लगता है कि दो छोटे बच्चे को दो डंडे पकड़ा दो, उससे अच्छा वो सब कर लेंगे। इससे पहले जो मूवी बनी थी चाहे वो राजामौली की बाहुबली हो, उससे थोड़ा बहुत रेफरेंस ले लेते तो शायद इस मूवी को अच्छा रिस्पांस मिल पाता। नंबर 3 पे है लाइगर। इस मूवी में विजय इतना अटके हैं कि ये मूवी खुद ही अटक जाती है। इस मूवी को एक और ख़ास बात है अनन्या पांडे की एक्टिंग, जिससे आपको मिर्गी के दौरे तो पड़ने ही वाले हैं, तो पड़ोसी की चप्पल पहले से ला के रख लें। आजकल साउथ वालों को पता नहीं क्या हो गया, उनकी मूवी अच्छी खासी चलती रहती थी, वो पता नहीं क्यों बॉलीवुड में आके मूवी बना रहे हैं। तो उसके बाद तो भाई अगर बॉलीवुड का सहारा लेंगे तो मूवी को तो पिटनी ही है, उसमें तो कोई चांस है ही नहीं। अगर हम बकवास मूवी की बात करें और टाइगर श्रॉफ की मूवी ना हो तब तो वो लिस्ट पूरी ही नहीं हो सकती है। इस मूवी में मेन लीड में है टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी।
इन दोनों की बाप लेवल की एक्टिंग आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी से टाइगर श्रॉफ ने साबित कर दिया कि एक्टिंग होती क्या है। आने वाले दिनों में शायद इंडिया से अगर किसी एक्टर को ऑस्कर मिले तो वो होगा टाइगर श्रॉफ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी अच्छा खासा करियर चल रहा था, लेकिन इस मूवी में उनकी एक्टिंग इतनी घटिया है कि जैसे ट्रेन की चाय। अब दिल थाम के बैठिए, तो नंबर वन पे मूवी आने वाली है किसी के भाई किसी का जान। इस मूवी को देखने के बाद कुछ लोग अपने गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने गए थे, उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ के चली गई। कुछ लोग को पानी चढ़ रहा है, कुछ लोग बेहोश हैं और कुछ लोग को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, जिससे मेरी चप्पल भी कहीं मिल नहीं रही है, वो भी गायब है। लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। भाई भाई इस मूवी के भी डायरेक्टर हैं फरहाद सामजी। आगे आने वाले दिनों में शायद वो हेरा फेरी भी लेके आ रहे हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। जल्द ही मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।